आज तारीख हो चुकी है 9 जुलाई। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है रविंद्र जाडेजा की तरफ से। दरअसल रविंद्र जाडेजा ने कल अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से अब आईपीएल 2021 के एडिशन के, इसके साथ आईपीएल 2022 के एडिशन की अब चेन्नई के साथ और एमएस धोनी के साथ यहां पर सारी फोटोज डिलीट कर दिए। कुल मिलाकर आईपीएल 2022 के एडिशन के दौरान हमने देखा था कि जाडेजा को चेन्नई की मैनेजमेंट ने कप्तानी से हटा दिया था। जाडेजा ने खुद कप्तानी छोड़ी थी, लेकिन बाद में खबर आई थी कि मैनेजमेंट ने इन पर दबाव डालकर इनको कप्तानी से हटाया था। उसके बाद जाडेजा ने एक भी मैच नहीं खेला था, आईपीएल से बाहर हो गए। तो आज की तारीख में अब कल यहां पर जाडेजा ने सारी यहां पर चेन्नई की फोटो और वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर से अब कंप्लीटली यहां पर डिलीट कर दिए। इसके साथ ही एमएस धोनी को भी इन्होंने यहां पर कल बर्थडे विश नहीं किया था। एमएस धोनी के बर्थडे पर भी जहां पर काफी सारे क्रिकेटर ने उनके लिए पोस्ट करी थी, ऑलमोस्ट हर एक क्रिकेटर ने पोस्ट करी, लेकिन जाडेजा ने कोई भी पोस्ट नहीं करी थी। तो कुल मिलाकर अब तो ये 100% कंफर्म हो चुका है कि जाडेजा अब चेन्नई का भाग नहीं रहेंगे। हमने आपको 2 महीने पहले ये बता दिया था कि आईपीएल 2023 के एडिशन में जाडेजा अब चेन्नई का भाग नहीं रहेंगे, और अब तो जाडेजा की तरफ से भी ऐसे कंफर्म्ड हिंट मिल चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर अब जाडेजा चेन्नई को छोड़कर कौन सी टीम में आखिर ये जाना पसंद करेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई के सीईओ की तरफ। दरअसल चेन्नई के सीईओ ने जाडेजा को लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर इन्होंने बताया कि जाडेजा अब टीम से बड़े नहीं हो गए, जहां पर जाडेजा अभी भी यहां पर टीम के अंदर आते हैं, टीम का भाग है। कुल मिलाकर इन्होंने यहां पर जाडेजा को तारीफ करते हुए बताया कि जाडेजा यहां पर टीम से बड़े नहीं है। तो जाडेजा यहां पर सारी फोटो सारी वीडियोज डिलीट कर यहां पर क्या साबित करना चाहते, इस प्रकार से इन्होंने जाडेजा पर सवाल उठाए। तो कुल मिलाकर चेन्नई की मैनेजमेंट और जाडेजा के बीच कुछ ना कुछ तो विवाद चल रहा है। या तो उनको यहां पर जबरदस्ती कप्तानी से हटाया गया था, या फिर उनको फेक इंजरी का बहाना करके आईपीएल से बाहर किया गया था। कुल मिलाकर इन्हीं रीजंस के चलते हुए अब करंटली चेन्नई की मैनेजमेंट और जाडेजा के बीच लगातार विवाद चल रहा है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर क्या रीजन इनकी यहां पर लड़ाई के लिए रहा होगा। बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है भारत इंग्लैंड के यहां पर दूसरे T20 मुकाबले को लेकर। दरअसल यहां पर आज शाम 7 बजे से हमें भारत इंग्लैंड का दूसरा T20 मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। आज के मुकाबले में तो अब विराट कोहली, ऋषभ पंत, इसके साथ ही रविंद्र जाडेजा और बुमराह यहाँ पर टीम में खेलने के लिए अवेलेबल रहेंगे। ये सभी खिलाड़ी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन सवाल ये कि करंटली टीम इंडिया के यहाँ पर हर एक खिलाड़ी इन्फॉर्म है। तो कुल मिलाकर आखिर विराट पंत यहाँ पर इन खिलाड़ियों की किस प्रकार से प्लेइंग 11 में एंट्री करी जाएगी, कौन से खिलाड़ियों से इनको रिप्लेस किया जाएगा, यहाँ पर ये सारे सवाल रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन कौन से खिलाड़ियों से इनको रिप्लेस करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकलकर आती है वाती रोहित शर्मा की तरफ से। दरअसल रोहित शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया, जहां पर रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में लगातार 13 मैचेस एज ए कैप्टन जीतने का एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। इससे पहले 12 मैचेस यहां पर जीतने का रिकॉर्ड था, लेकिन रोहित शर्मा ने अब रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके साथ रोहित शर्मा के पास मौका है कि यहां पर 2 और मुकाबले जीत करें, ये 15 मुकाबले लगातार जीतने का एक बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दे। इसके साथ ही जब से रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की कप्तानी संभाली तब से 29 मैचों में से यहां पर 25 मैच रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने जीते, 86.20 का इनका विनिंग परसेंटेज रहा है। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा ने तो काफी इंप्रेसिव यहां पर एज अ प्लेयर, एज ए कैप्टन प्रदर्शन किया। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में आने वाले समय में आखिर यहां पर एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई की तरफ से। दरअसल रिपोर्टेडली खबर आ रही है कि चेन्नई की टीम ने और चेन्नई की मैनेजमेंट ने यहां पर मॉर्गन के साथ बातचीत करी है। मॉर्गन को ये टीम ऑक्शन में चाहती है, ऑक्शन में मॉर्गन अपने आप को रजिस्टर्ड करे और ऑक्शन में से ये टीम मॉर्गन को परचेस करने का ट्राई करेगी। कुल मिलाकर कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि मॉर्गन को ये टीम कप्तान के रूप में भी देख रही है, जहां पर एमएस धोनी मोस्टली केवल 1 और साल यहां पर कंटिन्यू रहेंगे। तो मॉर्गन को 2-3 साल एज ए कैप्टन यहां पर ये टीम देख रही है। तो कुल मिलाकर इस टीम ने मॉर्गन से ऑक्शन में नाम देने की रिक्वेस्ट करी, तो मॉर्गन अब ऑक्शन का भाग बनेगा और हो सकता है कि ऑक्शन में आ जाने के बाद अब मॉर्गन को ये टीम परचेस कर ले। वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाफट
फटाफट ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको आईपीएल क्रिकेटिंग जगत की और एशिया कप का आपको शेड्यूल भी आने वाला है, तो वहां पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले, आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग चेन्नई का ये सही फैसला रहेगा या फिर नहीं। बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है पंजाब की तरफ से। दरअसल पंजाब की टीम आईपीएल इतिहास के ऑलमोस्ट सबसे फ्लॉप टीम रही है, जहां पर अब तक आईपीएल इतिहास में इस टीम ने कभी भी ट्रॉफी नहीं जीती और केवल एक ही बार ये टीम आईपीएल फाइनल का यहां पर भाग बनी है। तो कुल मिलाकर यहां पर पंजाब के लिए रिपोर्टेडली खबर है कि पंजाब के ओनर्स हैं इस टीम का कुछ शेयर बेच रहे, इस टीम के यहां पर कुछ शेयर यानी कुछ ओनरशिप का भाग अब सेल कर रहे हैं। और यहां पर खबर है कि सलमान खान शायद इस टीम को परचेस कर सकते, इस टीम के यहां पर 20-25% शेयर्स को वो परचेस कर सकते। तो पंजाब के नए ओनर अब सलमान खान यहां पर बन सकते। सलमान खान ने लंबे समय से बताया कि वो आईपीएल में टीम परचेस करना चाहते और पंजाब की टीम अपने शेयर्स को अब सेल कर रही है, तो यहां पर सलमान खान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग सलमान खान को आखिर इस टीम के यहां पर शेयर्स को परचेस करके यहां पर इस टीम का ओनर बनना चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी की टीम यहां पर सुरेश रैना को यहां पर परचेस करने को देख रही, जहां पर रिपोर्टेडली आरसीबी के टैलेंट स्काउट यहां पर लगातार रैना के साथ कॉन्टैक्ट में, रैना को वो ट्रेनिंग भी करा रहे, जहां पर रैना पिछले समय से जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो यहां पर आरसीबी के टैलेंट स्काउट के अंडर वो यहां पर ट्रेनिंग कर रहे। तो इससे रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि सुरेश रैना को आरसीबी की टीम यहां पर टारगेट कर रही है आईपीएल 2023 के ऑक्शन में। अब आरसीबी की टीम इनके लिए बिड करते हुए दिखेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आरसीबी का ये सही फैसला रहेगा या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है हार्दिक पांड्या की तरफ से। दरअसल हार्दिक पांड्या ने ये बताया कि आईपीएल जीतने के बाद अब इनका करंटली गोल यहां पर भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताना है। हार्दिक पांड्या ने बताया कि यहां पर वो टी20 वर्ल्ड कप में बल्ले और गेंद के साथ 100% से भी अधिक यहां पर एफर्ट्स लगाकर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग टीम इंडिया इस साल टी20 वर्ल्ड कप आखिर जीत पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।